अगली बड़ी खबर चंदौली से है। चंदौली मामले पर प्रशासन की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। प्रशासन का कहना है कि हमने दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। रेप की पुष्टि को लेकर अभी कुछ कहना सही नहीं होगा। इस केस में बहुत तरह के वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, ये प्रशासन का कहना है। गलत वायरल वीडियो पर हम कार्रवाई करेंगे। मौत की वजह अब तक साफ नहीं है। युवती के गले पर खरोंच के निशान है। इस मामले में SHO को निलंबित किया गया है और लापरवाही पर उचित कार्रवाई की जाएगी। चंदौली मामले पर यह प्रशासन का बयान, देखिए क्या कह रहा है प्रशासन। पोस्टमार्टम में कॉज ऑफ डेथ अननोन आया है और जो रिपोर्ट मैंने आपको बताई है वो आई है। उसके अतिरिक्त कोई भी इंटरनल या एक्सटर्नल या जैसे ट्रैकिया डैमेज होता है, बॉडी में विंड पाइप डैमेज होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मौत का कारण अननोन, जैसे मैंने बताया बताया कि पोस्टमार्टम में अननोन है। तो ये अभी इसके अलावा और भी साक्ष्य हमारे जो फॉरेंसिक के साक्ष्य होंगे, ठीक है, हमारे जो बाकी सारे साक्ष्य होंगे मौके के ऊपर, सीन को हम रिकंस्ट्रक्ट करेंगे क्योंकि ये संवेदनशील केस है। SHO को जो निलंबित किया गया क्योंकि लोगों के अंदर उसके विरुद्ध थोड़ा आक्रोश था और जो कार्रवाई की गई और जो ये घटना हुई है उसके ऊपर प्रथम दृष्टया लोगों ने आरोप लगाया, तो इस संबंध में उसको निलंबित करके उसको उन ऊपर जांच की जा रही है ताकि एक तो वो वेचना को इन्फ्लुएंस ना कर सके और जो भी जांच में सामने आएगा उसके पश्चात ही उनके डिपार्टमेंटल एक्शन जो लिया गया। वहीं ABP गंगा से खास बातचीत में SP अंकुर अग्रवाल ने पूरी जानकारी दी। उन्हें कहा कि जो दोषी हैं वो बचेंगे नहीं और जांच के बाद कार्रवाई करेंगे। 1 मई को पुलिस के दबिश के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत हो गई थी। आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं जनपद चंदौली के पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल जी, जानेंगे कि क्या रहा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया क्या रहा। देखिए आप सब अवगत होंगे कि कल एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था जिसमें ये बताया गया था कि कन्हैया यादव की जो बड़ी बेटी है उनकी मृत्यु हो गई है और इसमें आरोप पुलिस के ऊपर लगा था कि पुलिस की मारपीट के पश्चात उनकी मृत्यु हो गई है। इसमें पोस्टमार्टम एक पैनल से करवाया गया, पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग कराई गई और जो पोस्टमार्टम की फाइंडिंग्स हैं वो आज आप हम सभी को मीडिया को हमने अवगत कराई, जिसमें 2 चोटें उनके द्वारा बताई गई हैं। एक गले में खराश है और एक मामूली सी चोट बाएं जबड़े के पास है। इसके अलावा कोई भी इंटरनल या एक्सटर्नल इंजरी नहीं पाई गई है और विसरा प्रिजर्व कर लिया गया है। कॉज ऑफ डेथ अभी अननोन लिखा गया है पैनल के द्वारा। विसरा की रिपोर्ट के बाद ही इसमें कोई निर्णय लिया जाएगा। आम लोगों के मन में, हमारे मन में भी ये बात है कि पुलिस गई थी वहाँ कानून का पालन कराने, उसके बाद SHO सिपाही 4 महिलाएं पुलिसकर्मी को आपने सस्पेंड किया है। कारण देखिए, एक लोगों के अंदर जन आक्रोश था कि ऐसे ऐसी कार्रवाई जो पुलिस के द्वारा की गई है वो ठीक नहीं है। इसका संज्ञान लेते हुए ताकि जो मुकदमे की विवेचना है वो भी निष्पक्ष हो सके, हमने कार्रवाई की है और इसमें डिपार्टमेंटल जो एक्शन है वो हमने जाँच एडिशनल इसके सदर को दी गई है। सभी बिंदुओं को इसमें इंक्लूड किया जाएगा, उसके पश्चात ही कोई निर्णय लिया जाएगा। कन्हैया यादव, उनकी बेटी, उनके बेटे, तमाम जो परिवार के सदस्य हैं, मुकदमा दर्ज है, उसको आप कैसे देखेंगे और क्या आगे कार्रवाई करेंगे? सभी मुकदमे इनके जो दर्ज हैं उस पर जांच की जा रही है, सभी उनको निकाला जा रहा है, जिस सारी डिटेल्स के उनका कोर्ट में प्रोसीडिंग्स किस लेवल पे है और जो भी लीगल कार्रवाई होगी वो उसमें लीगल तरीके से ही की जाएगी। तो ये थे अंकुर अग्रवाल जी का कहना है कि रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है और उसमें अभी किसी भी प्रकार का कोई बाहरी चोट नहीं है। शशांक शेखर पांडे, ABP गंगा, चंदौली। वहीं परिजनों ने पुलिस पर पिटाई से मौत का आरोप लगाया है और जो कुछ उन्होंने कहा है, आरोप लगाए हैं, वो आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। आप कुछ बताएंगी क्या? हम रहबा ना कहें, हम कहा बताएं है? हम रहबा ना कहें। आप कौन? हम ये सुना नहीं कि पुलिस मार के मुंह आदलस गुड़िया बात। आप कौन है? हाँ, माँ की कौन है? माँ माँ है। अच्छा, तो क्या 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 सुनिए आप? हम बस यह सुने कि हमारे बहन के मार के पुलिस मुँह आ गए बस। अच्छा। हम के मरले बस, इतना हमारे कल हमारा लड़का कहल। अच्छा, आप कहाँ थे उस समय? हम उस समय अपने आदमी के लेके बाहर रहे। हाँ, बनारस जिला बाहर कहले रहना ना। अच्छा। जबर जताई कुल का गुंडा गर्दी में, जबर जताई कहले में गुंडा, कहले में गुंडा काम का गुंडा, सदर राजे का थाना गुंडाई कहले हमान के साथ। ये कन्हैया जी की पत्नी, इनका कहना है कि सैयद राजा थाने ने हमारे साथ जास्ती की है, गुंडाई की है, हमारी बेटी का पूरी जान लिया है और हमको एक न्याय चाहिए। शशांक शेखर पांडे, ABP गंगा, चंदौली।